नमस्कार। मैं बेसिकली पंजाब की रहने वाली हूँ। जब मैं क्लास 10th में पढ़ती थी तो हम लोगों को सिलेबस में आदि ग्रंथ होता था पंजाबी की किताब में। उसमें गुरबाणी के कुछ श्लोक होते थे और शब्द होते थे, वो मेरे को बहुत ही प्रिय हैं। मैं उनमें से कुछ शब्द आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। पहले मैं उनको पंजाबी में बोलूँगी, फिर मैं उसको हिंदी में उसका अर्थ समझाना चाहूँगी। जो पहला शब्द है, श्लोक है, वो ये है, दुख सुख दोए दर कपड़े पहरह जाए मनुख, दुख सुख दोए दर कपड़े पहरह जाए मनुख, नानक बोलन चखना दुख छड़े मंगे सुख, नानक बोलन चखना दुख छड़े मंगे सुख, जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। तो इसका मतलब क्या है? दुख सुख दोए दर कपड़े पहरह जाए मनुख, दुख और सुख परमात्मा की दर से मिले हुए दो कपड़ों के समान हैं, पहरह जाए मनुख, जिनको पहनकर आदमी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। अगर आदमी चाहे कि वो सिर्फ सुख का कपड़ा पहने, दुख का नहीं पहने, ये संभव नहीं है। दुख सुख दोए दर कपड़े पहरह जाए मनुख, नानक बोलन चखना दुख छड्डे मंगे सुख। नानक जी कहते हैं कि अगर हम कहें कि हमको सिर्फ सुख चाहिए और दुख नहीं लेंगे, ये बेकार है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं हो सकता। अगला क्या कहते हैं? जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। जब पता है कि बोलन नाल दुख सुख में नहीं बदल जाएगा, दुख भी हमको सहना ही पड़ेगा और सुख भी देखना होगा। जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। तो जब दुख आए तो चुप करके उस समय को भी गुजार लेना होता है। तो यही इस शब्द की व्याख्या थी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। धन्यवाद।